सो आई गाइस दिस इज सुनील मालवीय और दोस्तों आप देख रहे हैं जेनरॉन टेक। टेंसेंट वाले जो है एक नया गेम लॉन्च करने जा रहे हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म पर, और ये धमाकेदार गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी। ये लगभग पबजी को भी टक्कर दे दे, इतना पावर है इस गेम के अंदर। क्या है इस गेम की खासियत, क्या ये फ्री में अवेलेबल होगा मोबाइल फोन्स पर, किस तरह से इसका गेम प्ले होगा, सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पर जरूर बने रहिएगा और अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेनरॉन टेक को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोज आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि जो कॉल ऑफ ड्यूटी जो है वो लॉन्च किया जा रहा है मोबाइल फोन्स के लिए। यहाँ पर 1 अक्टूबर से इसे लॉन्च किया जा रहा है ऑफिशियली। ये आपको आपके मोबाइल फोन्स पर मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पर ये ऑफिशियली डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगा। सारी बात करें तो इसके पहले इसका जो बीटा वर्जन था वो टेस्टिंग पर अवेलेबल था। बहुत से लोगों ने उस गेम को खेला है, मज़ेदार इन्जॉयमेंट किए है, पबजी से भी ज़्यादा मज़ा आया है। उन सभी लोगों के अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो पबजी से भी ज़्यादा मज़ेदार कॉल ऑफ ड्यूटी पर उनको मज़ा आया उन गेम प्ले को खेलने के लिए। अभी जो सारे गेम प्ले है जो कॉल ऑफ ड्यूटी के है ये हूबहू उसी की नकल है जो पीसी वर्जन है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना मज़ा आने वाला है इस गेम को खेलने के लिए। दोस्तों बीटा वर्जन से ये गेम अभी निकल चुका है, अभी ये बीटा वर्जन में अवेलेबल नहीं है क्योंकि ऑफिशियली इसे लॉन्च किया जा रहा है 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से ये एप्पल स्टोर गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा डाउनलोड के लिए, जिसे आप खेल सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें किस टीम ने इस गेम को डेवलप किया है, तो यहाँ पर ये जो डेवलप है टेंसेंट की टीमी स्टूडियो टीम है जो इसे बना रही है। और यहाँ पर बात करें ये गेम आपके लिए फ्री में अवेलेबल है दोस्तों, पबजी जैसे कोई पैसे नहीं देने हैं, सीधा डाउनलोड करें और सीधा आप प्ले कर सकते हैं इस कॉल ऑफ ड्यूटी गेम को। गेम की कुछ खास बातें कर लेते हैं, तो इसमें हूबहू पबजी जैसे इंटरफेसेस है जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। साथ में इसमें आपको क्लासिक मोड भी मिल जाएगा खेलने के लिए, बहुत सारे भी मोड्स अवेलेबल है इसमें खेलने के लिए एज लाइक पबजी। बट जो एनवायरमेंट है, जो स्टाइल है, जो ग्राफिक्स है वो आपको डिफरेंट मिलेंगे पबजी से, बहुत ही ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन लोगों ने कहा है जो बीटा वर्जन पर इस गेम को उन्होंने खेला है। साथ ही इसमें बहुत सारे मोड्स भी इंक्लूड है जैसे कि वारफेयर मैप्स है लाइक क्रैशेस करना, या फिर क्रॉसफायर मोड खेलना, या फिर ब्लैक ऊप्स मैप्स अवेलेबल है लाइक न्यूक टाउन या हाईजैक, या फिर और भी बहुत सारे मैप्स अवेलेबल होंगे जहां पर आप इस गेम को परफॉर्म कर सकते हैं, इस गेम को खेल सकते हैं। जैसे क्लासिक मैप होता है पबजी के अंदर, वैसे इसके अंदर बैटल रॉयल मैप अवेलेबल होगा, हूबहू क्लासिक की नकल है बट थोड़े और बेहतर ग्राफिक्स और बेहतर एनिमेशन के साथ में यहाँ पर आपको खेलने मिलेगा। इस गेम के अंदर आप सोलो भी खेल सकते हैं, आप स्क्वाड भी खेल सकते हैं, आप डीओ भी खेल सकते हैं, ये सब कुछ अवेलेबल है। साथ ही ये जो बैटल होगा जो आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलेंगे, ये आसमान में भी हो सकता है, जमीन पर भी हो सकता है, पानी के अंदर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का जो एनवायरनमेंट है वो आपके सामने आता है खेलने के लिए। इसमें राफ्टिंग, हेलीकॉप्टर, ऐसे बहुत सारे अच्छी खासी जो चीज़ें हैं वो यूज़ की गई है, तो बहुत मज़ा आएगा इस बढ़िया से कॉल ऑफ ड्यूटी गेम को खेलने के लिए। सो दोस्तों अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी को अपने फ़ोन पर आज ही इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर आप एक ऐसा इंटीमेशन सेट करना चाहते हैं कि जब लॉन्च हो 1 अक्टूबर को तो आपके फ़ोन पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं, वहां पर आप सर्च करें कॉल ऑफ ड्यूटी जो ऑफिशियली दिया गया है ऐप टेंसेंट की तरफ से, क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको प्री रजिस्टर ऑप्शन मिलेगा, उसे दबाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो फिल कर सकते हैं। तो अगर बीटा टेस्टिंग में गेम अवेलेबल है तो आपको इंस्टॉलेशन के लिए मिल जाएगा, या फिर दोस्तों जब लॉन्च होगा 1 अक्टूबर को तो अगर आपका फोन वाईफाई से कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड भी हो जाएगा। यहां पर बात करें आईफोन यूजर्स या फिर आईपैड के लिए, तो उसके लिए एप्पल स्टोर पर ऐसे कुछ अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको जाना है callofduty.com/mobile वेबसाइट पर, वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना है, और जब भी अवेलेबल होगा तो आपको एक इंटीमेशन आ जाएगा या फिर आपको ईमेल आ जाएगा कि बीटा टेस्टिंग आप इंस्टॉल कर सकते हैं आपके फोन के ऊपर, या फिर जब भी लॉन्च होगा ये गेम 1 अक्टूबर को तो आपको एक मेल में भी इंटीमेशन आ जाएगा कि अब आप आईफोन या एप्पल यूजर्स उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस गेमिंग की दुनिया की डिटेल्स। कॉल ऑफ ड्यूटी लॉन्च होने वाला है, देखते हैं पबजी पर क्या असर करेगा, लोग पबजी खेलना छोड़ देंगे या पबजी भी खेलेंगे, कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलेंगे, एंटरटेनमेंट जो है वो डबल होने वाला है। और सबसे अच्छी बात करें तो यहाँ पे जो यूट्यूबर्स है जो लगभग लाइव स्ट्रीमिंग करके पैसे कमाते हैं या लाइव स्ट्रीम करके जो इंजॉयमेंट लेते हैं गेम खेलने का, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सी बात यहाँ पर आने वाली है। इसी के साथ जिस तरह से पबजी के लिए जो एम्युलेटर दिया गया है, वैसे ही कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए भी एम्युलेटर जो है वो
आ जाएगा बहुत ही जल्द, जैसे ही लॉन्च किया जाएगा उसके कुछ ही महीनों बाद एमुलेटर आ जाएगा, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग कर भी आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं आपके सीधे डेस्कटॉप के जरिए से। क्या है दोस्तों आपके व्यूज एंड आपके कमेंट्स, जरूर शेयर करें इस वीडियो के नीचे, और अगर आप ऐसे वीडियोज और देखना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और जरूर लाइक करें इस वीडियो के लिए, और हमेशा देखते रहे जेनरॉन टेक।